दिक्कत आ गई, तो वो यहाँ से कूद के आई थी, वो इस पोर्ट पे से कूद गया था। अब भाई सब बेटर है, बहुत ज्यादा ठीक है, पहले से पैरों में थोड़ा बहुत आराम है, थोड़ा बहुत आराम है। तो अभी पैर ज्यादा मोड़ता भी नहीं है और बहुत सही चलने लग गया। देखो थोड़ा चल के दिखाओ, देखो भाई जब इसके पैरों में पहले से फर्क आ गया कि अभी मोड़ता नहीं है। सिट थोड़ी थोड़ू सिट, ये देखो पैर सीधा रखने लग गया, नहीं तो ये पैर को यूं करके रखने लग गया था, अब ये पैर यूं रखता है, मतलब अब सही, अब ये पहले से बेटर है। जो डॉक्टर ने इसके ऊपर एज बताए थे वो हम कर रहे हैं, अभी ये एक महीने के हैं, तो अब एक महीने तक तो पूरी ठीक हो जाएगी। मोटो बंदरी सोच के देखो कैसे सोती है, ऐसे सोती है पापा। खाना खाया और इसको दो मिनट खारिश करी, जो की तब सिखाया है इसको वैसे सो जो। और ये इसको ऐसे सोने की पोजीशन में रख के दो मिनट बस ऐसे ऐसे कर दो, सो जाते। देखो कितना प्यारा लग रहा है। जैसे कर रही है साउंड में ही दे रहा है, तो सिग्नल बात कर रहा है, इसको उठा के लाए इसके बिस्तर के लिए, ठीक रहे, देख ले इसके कप। नो पैर कैसे हैं इसके, नो पैर कैसे हैं इसके मम्मी, इसकी पप्पी वाइटिंग से इसको ऐसे रोकते हैं, और को भी ऐसे ही रोकते थे गाइस, इससे ना ये एग्रेसिव होता बट ये रुक जाता है। आज तो हॉस्पिटल जाओगे भाई साहब, इसके पांव हो गए 70% ठीक हो चुके हैं, और बाद दो इसकी कोई कमी, बहुत ज्यादा शरारती है ये, बहुत ज्यादा, फिर से कूद गया था बेड से थोड़ा सा मटके, मानो की वजह से कूद गया, शट अप क्या होता तेरी वजह से कूद गया, गाइस एक्चुअली हुआ यूं था कि मैं और मम्मी कुछ बात कर रहे थे बहुत जरूरी, तो ये खुद ही बेड से, हम तो पीछे थे, ये इसका ट्रिगर पॉइंट है, मम्मी ये कर दे इसको गुस्सा आ जाता है। हेलो करके देगा। अच्छा तूने एक चीज सीखी है ना, थोड़ी एक मिनट रुको गाइस, अरे रुको गाइस रुको, मेरा ना एक्चुअली कैमरा का एंगल सही करने दो, थोड़ी सिट वो ले, वो फ्रीडम लेके आती हूं, रुको एक फ्री, चल दूरी मम्मी के पास, चल काले ही मैं बेटी खुद ही बैठ गया। हेलो इस पर ध्यान नहीं देना, पहले हेलो करो, हेलो अब हेलो अब दे दो ये सीख जाएगा ना कि अगर ये करूंगा तो ट्रीट मिलेगी। सीख गया सिर्फ, तो बिल्कुल कंप्लीट सीख चुका है। अब दे दो जल्दी दे दो। इसका अलग स्कूल चल रहा है गाइस यहाँ पे, ऐसे जंप दूसरी भी करवाओ कि दो पैरों पे खड़ा होने वाली। हेलो
बिल्कुल जाम हो जाती मेरी बेटी, छोटी सी बेटी है ना, ये छोटी सी बेटी, ऐसे 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 रहो ऐसे। सीट हो गया इसको, सीट आता भी जब मेरी मम्मी जब भी देगी जब तो सीट रह होगा बिल्कुल। आप दोनों कर क्या रहे हो? क्या कर रहे हैं? सारा दिन शरारत करता रहता है, सारा दिन शरारते होती है तूफान की। और तूफान अब नीचे आ गया तो थप्पड़ खाएगा, एक मिनट में नहीं दिखता। ये हॉस्पिटल कब लेके जाओगे? इसे हॉस्पिटल कब लेके जाओगे? नो बेटू गाइस ये बदमाश बन चुका है। नो बेटू मेरी टिक जे क्या था ये क्या था ये गंदू, ऐसा कोई फाड़ता है कपड़े? ऐसा कोई कपड़े फाड़ता है? कोई कपड़े फाड़ता है? छाला दिन अच्छे पड़ेगा, मैं क्या करूं, मैं गुस्सा तो करूं मगर प्यार करना जी कर इसका। नहीं प्यार करोगे और गुच्छे में भी पाली करने को मन करता है मेरी बेटी को, गुच्छे में भी पाली करने का मन करता है जितेंद्री को। कहां गले पर तू बिगड़ जाएगी, और तेरे को तेरे पापा से भी अच्छा बच्चा बनाना, हमने तेरा पापा कितना अच्छा बच्चा था, थोड़ी बनाना ना दूसरा थोर बनाना ना, इसलिए तेरे को बचाना पड़ता। मम्मी ये भौंकने की जगह कई बार क्या कर देता है, बिल्ली की तरह। अच्छा भी अच्छा, ओए मेरी बेटी, मम्मी इसको देख के भौंकना, इसको भौंकना। दोनों सूर लगा रहे हैं। इसकी आवाज कर दे चुप, इसकी आवाज नहीं कर दे चुप, नीचा तो तेरे को थप्पड़ में बड़ी आवाज आ जाऊंगी। आगे दिखा, आगे दिखा, आगे दिखा, नीचे आगे आप खुद छेड़ो उसको। आप गुस्सा बता रहे, थोड़ी हटना मम्मी हटना, ये ले यहाँ पे आ जाओ, ये ले जल्दी ले ले, आ जा। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये तैयार क्यों कर दिया? पर्ची लेनी होगी, हाँ कार्ड भी ले लिया, और की तैयारी कर रखी है भाई, हॉस्पिटल जा रहे हैं पर्ची देंगे ना, बड़े भी छोटी भी, बड़ी मच्छी लेनी दोनों। मेरे पापा ने टोपा बदल दिया गाइस, पापा के जूते उन थोड़ा हां बोलो पापा, हां टोपा बदल दिया, मत के नहीं बिल्कुल टोपा कैसे हो गए, अरे पागल से बदल लिया। आपने टोपा बदला, कैसा लग रहा है आपको बुरा टोपा पहन के? सही लग रहा है, अरे से बूढ़े पे आप जो शिफ्ट हुए हो, हाँ। अब आप हॉस्पिटल जा रहे हो, हाँ। अगर आगे के ब्लॉग में अच्छी क्लिप नहीं आई तो इस आदमी को कोसने का आएगा। इसमें तो यही मेरा यहीं का वो था, हॉस्पिटल में वीडियो ही नहीं बनाते पापा, तो मेरा फोन में देख तभी तो बढ़ेगी वीडियो। देख रहे हो सीरियसनेस, देख रहे हो ला 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 ला।
पहले तो गाइस ये मेरे पापा ना हर वीडियो बनवाने के बजे दिखाई हूँ, मालूम मैं कैसा लग रहा हूँ। तरी ये फिर इसने गंदे तरीके से पैर रख दिया, सीधा करो इसका पैर। ये तेरी वजह से। मेरी कोई वजह नहीं है। तुम्हारा पैर गिरा दिया। फोंदू गाइस धोखे में नाम देती हूँ मम्मी ने, मेरी तो इतनी कोई गलती भी नहीं थी। ये मेरे पापा के फोन पे फोटो देखो, ये लो जाओ बाय। आगे का व्लॉग थोड़ा संभाल लेगा खुद अपना, आगे का व्लॉग थोड़ी खुद संभाल लेगी, आगे का व्लॉग थोड़ी खुद संभाल लेगी। थोड़ी हेलो कम हेलो 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 छोयू हेलो छोयू। ये आ गया है अंदर फोर, और इसको अब लेके दिखा दे बेटा उनको। हेलो गाइस, अब ये ठीक है, अभी 70% आराम है, और डॉक्टर ने कहा था कि 7 दिन के बाद एक बार चेक करवा लेना, तो चलो इसको एक बार दोबारा चेक करवाते हैं, कुछ और दवाइयां वो ऐड करेंगे या फिर इसी को जारी रखेंगे, तो एक बार चलते हैं और फिर पहुंच के फिर बताता हूँ आपको। लुवास में पहुंच गए हम अभी, और अभी पहुँचने के बाद दिखाते हैं। चेक करवा लिया हमने, और मैडम ने बताया कि ये ठीक है बिल्कुल, और अभी दवाई भी वो जो बच रही है वो ही देनी है, और अब ठीक है। थोड़ी सी मालिश बताई है इसको, सरसों के तेल की मालिश करवा देंगे, और वैसे सही है ये बिल्कुल। और यही कहा कि बस थोड़ा सा फ्लोर पे ये जो टाइलें वाले फर्श पे चलाने का इसको अवॉइड करो, कच्ची जगह पे भगाओ अच्छी तरह से, और बाकी सही सही है ये बिल्कुल। तो चलते हैं फिर, हेल्दी बेबी है ये देखो, हेल्दी बेबी है ना, तो सच बाय कर सही बाय बाय करके दिखा दे। ले आए दवाई इसकी, और डॉक्टर दीदी जो दिया था सारी दवाई ले आए हम। अभी इसकी बेबी सब्जी लेने के लिए गई हुई है, और ये देखो आराम से कहाँ रहे तुम, गुद्दू देख आगे वाली सीट पे आराम से बैठे भाई साहब। क्या कर रहा है, क्या कर रहे बेटू, चलो इसको दवाई दे देंगे अभी। और वैसे सही है ये बिल्कुल एकदम से, जैसे कि मालिश भी करेंगे इसको, अभी कच्चे में भी घुमाएंगे इसको, तीसरी वैक्सीनेशन लग जाएगी उसके बाद बिल्कुल सही हो जाएगा ये, और उसके बाद फिर इसकी एक्सरसाइज इसकी ट्रेनिंग शुरू करेंगे बढ़िया वाली, और इसको परफेक्ट बच्चा बनाएंगे एकदम से। आगे आप थोर को लेके आगे भाई, इसके पीछे क्या कहानी है मम्मी। एक कमेंट बना रहे तो मैं ऐसे बिछा देती थी ये पोर्शन ऊपर, तो एक मैडम ने मेरे को समझाया कि बहन जी ये फर वाला है ना सुंदर भी लगता है और गर्म भी ये रहता है ना, गर्म तो फिर वो भी रहता है लेकिन देखने में भी सुंदर है और इसको लगेगा अभी सॉफ्ट, तो इसलिए आप इसको ऐसे बिछा करो, उसके बाद से मैं ऐसे बिछाती हूँ, पर आज मानू ने बिछा दिया था ऐसे। मेरी कोई गलती नहीं है, मैं अपनी माँ से सीखती हूँ, मेरी माँ उल्टा बनाती थी, मेरी कोई गलती नहीं है। और दूसरी बात ये चीज दे रखी हूँ इसको, हड्डी नहीं है ये एक और चीज है जो ये चुस्ता है थोड़ा। अरे ये मेरे ख्याल से वो है, ये पेडिग्री के साथ दांतों के लिए आती है, दांत साफ करने की वो है ना, ये पेडिग्री के साथ आती है अपने पास से पूरी। फिर आई होगी बट ये दांत साफ करने के लिए आती है कि पपी बाइटिंग भी ना करे, इसको चबाते रहे और दांत भी साफ हो जाएंगे। किसी और साइड से आई थी इसका, ये बॉक्स आया इसका दातु ने ये उसमें थी, तो ये जैसे ना दीवार दूर खुजता है कोई टाइट चीज पकड़ता है ये देख लो। हाँ तो उसके लिए फिर ये फार्म पति फार्म से आज इसकी नई हरकत बताऊंगा इस आपको, इसने आज मेरा बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया, बहुत ज्यादा तो नहीं किया बट कर दिया, मेरे फोन के चार्जर की लीड खा गया। रानी तो गाइस ये कर दिया काम इसने,
और ये मम्मी, और अरे ये तो छोड़ो, ये तो कोई नहीं, और दिखाऊं, ये देखो, मतलब ये किसी डार्क चीज पे रख के दिखाती हूँ, ये देखो खा गया चश्मा मेरा, बड़ी इसकी कोई गलती नहीं इसके। हाँ अच्छा अच्छा हाँ, और कुछ, और कुछ क्या, तेरी गलती है, क्यों रखे इसके पोंछ में? गाइस मैंने ना इस तकिए के नीचे यहाँ रखा था। पोंछ में कितना है, एक सेकंड भी कौन लगती इसको, सीधा भाई साहब पाँव अंगले यही रखता है इसको, मत बोलना कि हाँ। ये गलत है, सारी गलती मेरी है जिंदगी तेरी है, भी पता है इस बच्चे को ज्ञान है ना, तो अभी बड़ा हो जाएगा तो समझ समझ आ जाएगा। चार्जर खा गया मैंने इसको, हर खुशी ना करया था यूं, मैंने इसको बचाने का बहुत प्रयास किया बट ये बच नहीं पाई, तो कोई बात, टेप टूप लगाने की भी बड़ी कोशिश है की, बट ये काट दी इसमें। बेटे तू बड़ा हो, मैं लेऊंगी बदला तेरे से एक एक चीज का, ले लिया। ये बताओ डॉक्टर ने क्या बोला इसके लिए? डॉक्टर ने ये बोला है कि ये ठीक है बिल्कुल, 70% ठीक हो चुका है, और अब ये सरसों का तेल हल्का सा नु आया करके, और जैसे अभी मेरी गोदी बैठे है ना, दिखा देती हूँ मैं, तो उन्होंने ऐसे बोला है कि लड़के लड़के हाथ से आप हाथ में लेके थोड़ा तेल लगाते रहो और इसको ये खेलता रहे, इस चीज के ऊपर है ना मसाज करना इसको ऐसे सरसों का तेल, और आंखों की एक्सरसाइज बताई है इसकी, जैसे ये पानी आता है ना, और भी ये चीज देख लेना, छोटे बच्चे हो चाहे बड़े, रोटवाइलर की आंखों में लगभग पानी आता है, तो उसके लिए ये बताया कि ऐसे करके ऐसे हल्के हल्के ऐसे 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 करो तो ये मतलब ये पानी आना बंद हो जाएगा इसका। मैं इसकी ड्रॉप पूछी थी डॉक्टर से, तो डॉक्टर ने कहा कि भाई छोटा बच्चे की कोई ड्रॉप नहीं आती, बस इसका यही एक्सरसाइज, इसको दे दो बेटू, चलो दिखाओ गाइस नीचे, ऊपर का अटेम्प्ट फेल हो गया मेरी मम्मी का। सिट सिट स्टे, नो नो नो, खुद देख के नो क्यों बोल रहे हो? नो सॉरी, नो नो बेटू, नो नो Eat. Nice, nice. कहाँ गया जरा? ये पड़ गई गाइस यहाँ पे। ये ले। देख मानो को बाय, इनको बाय कर दे। ठीक है गाइस, आज का व्लॉग हम यहीं खत्म कर देते हैं। इसकी इससे इसकी ये डंडी नहीं संभल रही। बाय कर दे, ऐसे ऐसे लेके, ऐसे बाय कर दे। बाय, बाय दोस्तों, बाय दोस्तों, बाय दोस्तों, बाय बाय।